Good morning, all of you. And this was the teacher Diksha, your English teacher. I hope you all are doing well. I welcome you all in our Gyandeep Senior Secondary Public School online portal. So here we were discussing about the pronouns, and yesterday I have told you the definition of the pronoun and also told you about the kinds of the pronoun, and there was the 10 kinds of the pronoun. From them we have already done the 5. The rest of the 5 we are covering in this video. Okay, so without wasting our more time, let's just get discuss about it. So here we can see the 6th kind, that is the reflexive pronoun. Now bacha, I have shown you yesterday, I have shown you a table. Okay, let me just take that. Here it is, right? So in this table you can see here are the reflexives. These are the all reflexives. ये सारे क्या हैं? Reflexives हैं. इन सारे reflexives में we can see, हम यहाँ देख सकते हैं last में ELF आता है, है ना? जो plurals होते हैं तो मैं आपको already कल बता चुकी हूँ, उसमें VES हो जाता है. तो यही सारे reflexives हैं, ये जो आते हैं वो किस में आते हैं? They comes into the reflexives. Now you can see here, it used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. यहाँ ये बताया जाता है, ये दर्शाता है कि जो सब्जेक्ट है she, उसका एक्शन, एक्शन क्या, जो भी वो काम कर रहा है वो संबंध दर्शाता है, ये रिफ्लेक्सिव. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, she can handle the situation herself. Okay, ओहो brush size. तो she can handle the situation herself. यहाँ herself कहाँ आया है? Herself आया है आपका लास्ट में. इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? अगला, दे हैव टू डू देयर टास्क themselves. उन्हें अपना टास्क खुद से करना होगा. टास्क मतलब होता है कार्य, तो उन्हें अपना कार्य स्वयं ही करना होगा. तो यहाँ पर themselves किसके रेफरेंस में आया है? दे के रेफरेंस में. ऐसे ही herself किसके रेफरेंस में आया है? शी के रेफरेंस में, ठीक है? सेम यही रिफ्लेक्सिव के जो शब्द हैं वो एम्फेटिक में या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन में आएंगे, बस उनका तरीका चेंज हो जाएगा काम करने का. कैसे चेंज हो जाएगा? इट इज़ यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट. ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे एम्फेसिस बनाने के लिए है, ठीक है? कैसे? यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्सिव वर्ड वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होने वाले हैं. यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन. तुम्हें अपने आप से ही पुलिस स्टेशन जाना होएगा. अगला, वी आरसेल्व्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम. हमें खुद से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होएगी. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव्स आ रहे हैं वो लास्ट में आ रहे थे और यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं. क्यों? सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए. तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बाकी के वर्ड्स विल रिमेन सेम, ठीक है? याद रखना. अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव में वी कैन सी इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यदि बात की जाए तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. कैसे स्पेसिफिक बात की जाए, देखो बताती हूँ. जैसे कि इनमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, नन, नीदर और सच. तो इनके साथ अगर हम बात करते हैं, दिस जो है इसका मतलब क्या होता है? यह है, ये नियर बाई पास की सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है. नियर बाई सिंगुलर थिंग्स, तो नियर बाई सिंगुलर चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है? दिस. दैट अगर हम बात करें तो नियर बाई प्लूरल थिंग, सॉरी नियर डिस्टेंट सिंगुलर थिंग के लिए, दैट मतलब वह, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यह मेरी किताब है तो दिस इज़ माई बुक, इसका मतलब ये मेरे पास है, राइट? अगर तुम्हारे पास कोई किताब है और वो मेरी है तो मैं क्या बोलूँगी? दैट इज़ माई बुक, राइट, विच यू हैव. तो तुम्हारे पास जो किताब है वो क्या है? मेरी है. तो दैट मतलब वो मुझसे दूर है. तो दूर की सिंगुलर चीज़ों के लिए दैट, पास की सिंगुलर चीज़ों के लिए दिस. दीज की बात करें तो जो पास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लूरल चीज़ें होती हैं, उनके लिए दीज. जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास मैं बहुत सारी किताबें रखी हैं तो व्हाट डिड आई स्पीक, व्हाट डू आई स्पीक, मैं बोलूँगी कि दीज आर माई बुक्स, है ना? और अगर तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें रखी हैं और वो सारी मेरी हैं तो मैं क्या बोलूँगी? दोज आर माई बुक्स. समझ में आ गया? तो पास की सिंगुलर चीज़ों के लिए दिस, दूर की सिंगुलर चीज़ों के लिए दैट,
पास की प्लूरल चीज़ों के लिए दीज और दूर की प्लूरल चीज़ों के लिए दोज. नन मतलब कोई भी नहीं, नीदर मतलब एक भी नहीं, एंड सच मतलब ऐसा ही, राइट. इसमें ये तीनों एक्स्ट्राज हैं जिनका कभी कोई यूज़ नहीं बताया जाता है, सिर्फ ये नाम के लिए लिखे हैं. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं दिस दैट दीज दोज, ये यही रहेंगे. ओके अगला, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, ये भी देख लो फटाफट से. तो एग्जाम्पल में क्या है आपका, दिस वॉज माई मदर्स रिंग, ये मेरी माँ की अंगूठी है. तो दिस, ठीक है. आगे, दीज आर माइन सोफाज, ये हम मेरे सोफा हैं. क्लियर, ओके. आज आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल. सॉरी फॉर माई थॉट. रेसिप्रोकल इट इज़ यूज टू रेफर अ म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल. ये लोगों के बीच की जो म्यूचुअलनेस, जो जब एक से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होती है तब क्या होगा, जब वो एक जैसा काम कर रहे होंगे तब यूज़ होगा हमारा रेसिप्रोकल. कैसा एक जैसा काम, जैसे कि हम इनमें जो शब्द यूज़ होते वो होते हैं ईच अदर्स, वन अनदर्स, ठीक है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी नीड टू हेल्प वन अनदर टू सर्वाइव, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए या मदद करनी होगी या मदद करने की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए. बहुत हार्ड टाइम चल रहा है अभी, और इस हार्ड टाइम में क्या हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. सेम ऐसे ही देखो, ईच अदर दो लोगों के लिए यूज़ होता है. ईच अदर इज़ यूज फॉर द टू पीपल, दो लोगों के लिए यूज़ होगा. जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, मेड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है. सेम ऐसे ही वन अनदर, जब एक से कंपैरिजन ज़्यादा लोगों का हो रहा हो, राइट. जब कंपैरिजन नहीं, अगर जहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही हो, उनकी म्यूचुअलनेस की बात की जा रही है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर, ठीक है. तो अगला है यहाँ पे, दे हैड रिमेम्बर्ड ईच अदर्स फ़ोन नंबर, उन्हें एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स को याद रखना होगा. ओके अगला, या रखना था, याद रखना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा हो जाता है. सो डोंट पैनिक कि मैम ये क्या बोल दिया, होगा नहीं, होना था, उन्हें एक दूसरे का नंबर याद रखना था, ठीक है. ऐसे ही आगे अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, वन अनदर की, तो मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ. लाइक दे ऑल डिपेंड्स ऑन वन अनदर, वो सभी लोग कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. सिर्फ दो लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो पूरा के पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं. जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडियाज़ सिचुएशन ऑफ COVID-19 कैन बी रेजिस्ट एंड डिपेंड्स ऑन वन अनदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. जो इंडिया की सिचुएशन है COVID-19 को लेके, तो अगर वो सिचुएशन हमें बदलनी है, तो वो सिर्फ एक दूसरे के योगदान से ही क्या होगी, हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे. तो यहाँ एक दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. इफ़ इट इज़ नॉट देन यू कैन आस्क टू मी. आगे बढ़ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या करना है आपको, दैट पॉइंट टू पर्सन प्लेसेस थिंग्स वन एट अ टाइम. जब एक ही समय पर क्या किया जाए, लोगों को, जगह को या चीज़ों को बताया जाए, उनके बारे में बताया जाए, तब क्या यूज़ बोल, तब उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसमें आपका ईच, ईदर एंड नीदर ही आ जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन दिस, ठीक है, या हैज़ डन दिस या डन इट, ठीक है, बात एक ही है. तो हर एक बच्चे को ये करना होगा. ईदर यू कैन मेक योर चॉइस, आप अपनी चॉइस, अपना इरादा बना सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ, नीदर ऑफ यू कैन कम टू माई पार्टी, तुम में से कोई भी मेरे पार्टी में नहीं आ सकता, राइट. तो इस तरीके से आपके ईच, ईदर एंड नीदर ये आपके किस में आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं. आई थिंक दिस इमेज इज़ क्लियर टू यू ऑल. इफ़ दे इट इज़ नॉट, देन आई एम जस्ट जूमिंग इट. You can take the screenshot. I have already sent the PDF there. Then you can just check the PDF.
है ना, आप उस PDF को भी चेक कर सकते हैं. सो हियर आवर प्रोनाउंसिएशन हैज़ बीन डन, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, आपको आपके बुक में है एक एक्सरसाइज. नाउ व्हाट इज़ द एक्सरसाइज, लेट मी शो यू, मैं भी आपको दिखाती हूँ. सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 5, रिफ्लेक्सिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है. पेज नंबर आपका 35 पर है, क्लास 7th. सो इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है. जैसे पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट द कन्वर्सेशंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो इसमें आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ में कंप्लीट करनी है आपको कन्वर्सेशन. तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव लिख देंगे, ठीक है, ओके. दूसरे में भी सेम क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना है. तो आपको करनी है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज कम्प्लीटली, देन आई विल टेल यू कि वैन यू हैव टू डू द थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है. सो टुमारो इज़ अवर लाइव सेशन एंड आई विल टेल यू देयर एवरीथिंग. फॉर नाउ थैंक यू क्लास, दिस सेशन वॉज सो शॉर्ट, छोटा ही था, बिकॉज वी हैव टू जस्ट कवर अप दिस टॉपिक, हमें ये टॉपिक है वो कवर करना था, ओके. फॉर नाउ थैंक यू क्लास, दिस वॉज दीक्षा, आई एम साइनिंग ऑफ. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.